भारत में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का कहर। भारत में कोरोना के नए सब वेरिएंट के 21 एक्टिव केस। 40 देशों में फैल चुका है सब वेरिएंट। अगस्त में पाया गया था सब वेरिएंट का पहला केस। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट भारत में भी दस्तक दे चुका है और अब भारत के तमाम राज्यों में इससे होने वाले इन्फेक्शन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना के सब वेरिएंट के 21 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 19 केस की गोवा में पहचान की गई है, जबकि एक एक मामले केरल और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कोविड का नया सब वेरिएंट अब तक 40 देशों में फैल चुका है। इस नए सब वेरिएंट की खासियत ये है कि ये दूसरे स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सब वेरिएंट को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्कता बरतने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना वायरस के उभरते सब वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने पर जोर दिया। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को अपडेट आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 614 नए मामले सामने आए हैं। यह 21 मई के बाद से सबसे अधिक है। वहीं एक्टिव मामले बढ़कर 2311 हो गए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के नए सब वेरिएंट के बारे में सामने आया है कि इसका सबसे पहला केस अगस्त में लग्जमबर्ग में पाया गया है। इसके बाद यह धीरे धीरे 36 से 40 देशों में फैल गया है। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।